तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक संजय दत्त की अपकमिंग मूवी के बारे में। संजय दत्त से 1981 में रिलीज हुई फिल्म रॉकी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत किए थे और इतने लंबे फिल्मी करियर में संजय दत्त ने जाने कितने ही सुपरहिट फिल्में दिए हैं और उन्हीं हिट फिल्मों में से एक है कुछ समय पहले ही रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2। इस मूवी में संजय दत्त अधीरा नाम के एक दमदार विलन का किरदार निभाए थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही संजय दत्त को बॉलीवुड प्लस साउथ से भी कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का ऑफर होने लगा और यही कारण है कि जल्दी संजय दत्त कई सारी बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में। संजय दत्त की सबसे पहली फिल्म होने वाली है केडी द डेविल। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखा देंगे कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुवा सर्जा एंड संजय दत्त। संजय दत्त इसमें शायद विलन का किरदार निभा सकते हैं, बाकी अभी इसके ऊपर ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। वो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं प्रेम और यह है कन्नड़ लैंग्वेज की पैन इंडिया फिल्म होगी जो कि इसी साल मई से जून महीने के बीच रिलीज कर दिया जाएगा कन्नड़ के साथ हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं में। संजय दत्त की दूसरी फिल्म होने वाली है द गुड महाराजा। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट किए हैं उमंग कुमार। वह इस मूवी के लीड रोल में दिखा देंगे संजय दत्त एंड ध्रुव वर्मा और ऐसा पहली बार होगा जब संजय दत्त किसी मूवी में सही अवतार में नजर आएंगे। और इस फिल्म का नाम काफी समय पहले ही किया गया था जिसका शूटिंग भी शायद पूरा कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी को करीब 400 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बनाया गया है जो पहले 2022 में ही दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली थी बट किसी कारण नहीं हो पाई। मगर अब यह फिल्म किस दिन रिलीज होगी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। संजय दत्त की तीसरी फिल्म होने वाली है घुरचड़ी। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त, रवीना टंडन, खुशाली कुमार एंड पार्थ समथान। वो इस मूवी को डायरेक्ट की है बिनोय गांधी और इसी फिल्म के जरिए बिनोय गांधी अपना डायरेक्शन डेब्यू करने जा रहे हैं, जबकि प्रोड्यूस किए हैं भूषण कुमार एंड कृष्ण कुमार जो कि टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई है। और यह फिल्म पहले जनवरी 2023 में ही रिलीज की जानी थी लेकिन कुछ कमी के कारण नहीं हो पाई। मगर अब यह फिल्म किस दिन रिलीज होगी इसकी कोई भी डेट सामने नहीं आई है। संजय दत्त की चौथी फिल्म होने वाली है बाप। दरअसल दोस्तों इस फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है और फिलहाल इसको बाप ऑफ ऑल फिल्म्स के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि इस मूवी में 80 के दशक के 4 बड़े सुपरस्टार दिखाई देंगे लीड रोल में, यानी कि संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती एंड जैकी श्रॉफ। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं विवेक चौहान और प्रोड्यूस किए हैं अहमद खान जो कि जी स्टूडियो के बैनर तले बनाई जाएगी। और यह एक पैन इंडिया फिल्म होगी जो हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी इसी साल के मिड में। संजय दत्त की पांचवी फिल्म होने वाली है द वर्जिन ट्री। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जिसका नाम सभी कुछ महीने पहले ही किया गया है जिसमें संजय दत्त के अलावा सनी सिंह, मोनू रॉय, पलक तिवारी एंड आसिफ खान भी दिखाई देने वाले हैं। वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धांत सचदेवा जबकि प्रोड्यूस करेंगे दीपक मुकुट एंड संजय दत्त, यानी इस फिल्म में एक्टिंग के साथ संजय दत्त इसको प्रोड्यूस भी करने वाले हैं और जल्दी इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी या फिर शुरू भी हो चुकी होगी जो रिलीज 2024 तक ही होने वाला है। संजय दत्त की छठी फिल्म होने वाली है लियो। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट करेंगे लोकेश कनगराज और यह फिल्म लोकेश कनगराज की यूनिवर्स यानी एलसीयू की चौथी फिल्म होगी जिसमें सबसे पहले आई कैथी, फिर आई मास्टर एंड आखिरी बार 2022 में आई थी विक्रम और यह तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। और अब जल्दी इस यूनिवर्स की चौथी फिल्म भी आने वाली है जिसके लीड रोल में दिखा देंगे थलापति विजय, संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन। संजय दत्त इसमें विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और यह फिल्म लगभग 300 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बनाई जाएगी जो इसी साल के अंत या फिर 2024 के शुरुआती महीनों में रिलीज कर दिया जाएगा पैन इंडिया पर। संजय दत्त की सातवीं फिल्म होने वाली है राजा डीलक्स। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे पैन इंडिया स्टार प्रभास एंड संजय दत्त। साथ ही इसमें तीन एक्ट्रेस भी नजर आएंगी लीड रोल में और इस फिल्म में संजय दत्त प्रभास के दादा का रोल प्ले करने वाले हैं जो कि इससे पहले कभी भी संजय दत्त किसी फिल्म में दादा का किरदार नहीं निभाए हैं। वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे मारुति दसारी। अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट की तो यह फिल्म 2025 तक ही देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में प्रभास के पास एक या दो नहीं बल्कि कई सारी फिल्में पाइपलाइन में पड़ी हुई है जिसके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। संजय दत्त की आठवीं फिल्म होने वाली है डॉग हाउस। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड जावेद जाफरी। साथ ही इसमें एमएस धोनी भी दिखाई दे सकते हैं कैमियो रोल करते हुए। इस मूवी को डायरेक्शन देंगे समीर कार्निक जो कि इससे पहले यमला पगला दीवाना जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं और इस मूवी का अनाउंस काफी समय पहले ही किया गया था मगर अभी तक इसका रिलीज डेट सामने नहीं आया है। संजय दत्त की नेक्स्ट मूवी होने वाली है मुन्ना भाई MBBS 3। इसका पहला वाला दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गया था और अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है जिसमें फिर से संजय दत्त के साथ अरशद वारसी ही होंगे लीड रोल में। और अभी हाल ही में अरशद वारसी और संजय दत्त का एक तस्वीर सामने आया है जिसमें दोनों ही जेल के अंदर बंद दिखाई दे रहे हैं तो इसे और साफ हो गया है कि यह मुन्ना भाई 3 का ही फर्स्ट लुक है क्योंकि मुन्ना भाई MBBS एंड लगे रहो मुन्ना भाई इन दोनों ही फिल्मों में अरशद वारसी और संजय दत्त ही लीड रोल प्ले किए थे जिसे डायरेक्ट किए थे राजकुमार हिरानी। और मुन्ना भाई MBBS 3 को भी राजकुमार हिरानी ही डायरेक्ट करने वाले हैं और यह फिल्म इसी साल यानी 2023 में ही रिलीज की जाएगी। एंड इसी के साथ संजय दत्त की 10वीं फिल्म होने वाली है फुल ऑन धमाल। दरअसल यह धमाल सीरीज का चौथा पार्ट होगा। इसके पहले वाले तीनों पार्ट्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गई थी तो ऐसे में अब जल्दी इसका चौथा पार्ट भी लाया जाएगा जिसके लीड रोल में दिखा देंगे संजय दत्त, अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी एंड रितेश देशमुख। हालांकि इसका पिछला पार्ट यानी टोटल धमाल में संजय दत्त नहीं दिखे थे लेकिन इस मूवी में संजय दत्त की वापसी के पूरे चांस है। तो फ्रेंड्स, यह है संजय दत्त की आने वाली सभी बड़ी फिल्में। वैसे आप इन सभी फिल्मों में से
से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मूवी से जुड़ी अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किशोर नए वीडियो मिनी मूवी के साथ।